स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत। विज्ञान भवन में 40 किसान प्रतिनिधियों के साथ मंत्री स्तरीय की बातचीत। बैठक में किसानों ने कहा आज भी उनकी मांग है कि कृषि कानूनों में संशोधन न करके इन्हें रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बावजूद केंद्र सरकार आंदोलन की राह पकड़े। किसान नेताओं के साथ बातचीत जारी रख रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस मना रही है। देश के अलग अलग हिस्से में प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में कमान खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संभाली है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह से जुड़ने की अपील की है। ट्वीट करके लिखा है कि आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। किसान आंदोलन के दौरान ठंड में जान गंवाने वाले किसानों को कांग्रेस विधायक की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने यह घोषणा की। जींद में शहीद हुए किसानों के परिवार को कांग्रेस विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए गए। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगवीर मलिक ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायक मिलकर मृतक किसानों के आश्रितों को आर्थिक मदद देंगे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी सहित बाकी मदद भी दी जाएगी। कांग्रेस विधायक सुभाष गांगोली, जगवीर मलिक, इंदुराज नरवाल, भालू सुरेंद्र पवारी गांव ईटल कला और उझाना के मृतक किसानों के आश्रितों को 2-2 लाख की सहायता राशि दी। कुमारी शैलजा घरौंजा में हाईवे के टोल पर जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को बरगलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ बस्ताड़ा टोल पर किसानों का धरना प्रदर्शन और क्रांतिक भूख हड़ताल 21वें दिन भी जारी रही। आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कुमारी शैलजा ने किसानों के बीच बैठकर किसान नेताओं से बातचीत। इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ से किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। ट्रैक्टर यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों से होती हुई दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जाकर खत्म हुई। अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को कृषि कानून को वापस लेने और किसान आंदोलन का समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली गई। अभय ने अपने इस्तीफे की बात को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर को दोबारा से इस्तीफा भेजा जाएगा। अगर फिर भी इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाता तो 27 जनवरी को वो खुद जाकर स्पीकर को लिखित में इस्तीफा सौंपे। अंबाला में इनेलो नेता अभय चौटाला शंभू टोल प्लाजा पहुंचे, किसानों के धरने में शामिल हुए, जहां से वो ट्रैक्टर मार्च लेकर सिंघू बॉर्डर के लिए निकलेंगे। भारतीय सेना अपना 73वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। आर्मी डे के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपना संदेश देते हुए कहा कि हम उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जिनके कर्तव्य के प्रति वीरता और सर्वोच्च बलिदान हमें नए सिरे से दृढ़ता के साथ खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। मोदी ने सैनिकों और उनके परिवार को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी है। ट्वीट करके लिखा है कि हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिससे हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। से मनोहर लाल ने सेना दिवस पर ट्वीट कर सैनिकों को बधाई दी है। लिखा है कि अदम्य साहस और पराक्रम की परिचायक भारतीय थल सेना के सभी सैनिकों को नमन। हमारे वीर सैनिकों ने सदैव अपने साहस, शौर्य और बलिदान से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया। सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण और सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करने के बाद नरवणे ने संबोधन में दोनों पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों पर टिप्पणी की। सेना अध्यक्ष ने कहा कि बीता साल हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। एक तरफा बदलाव की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सेना अध्यक्ष ने कहा कि देश को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि गलवान के शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के सम्मान पर कोई आंच नहीं देगी। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए सेना अध्यक्ष ने कहा कि आतंकियों को प्रश्रय देने की अपनी आदत से पाकिस्तान लाचार है। सीमा पर 300 से 400 आतंकी घुसपैठ के इरादे से बैठे, लेकिन हम उनके इरादे सफल नहीं होने देंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती अपना 65वां जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की और कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कहा कि बसपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। बसपा सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने यह भी ऐलान किया है कि इन राज्यों में बसपा की सरकार बनने पर सभी को मुफ्त में कोरोना का टीका भी लगाया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने कोविड 19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध करती है कि वो देश भर में सभी को मुफ्त में वैक्सीन दे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 19 जनवरी को आयोजित की जाने वाली एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी बोर्ड ने पूरी कर ली है। प्रदेश भर में 124 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर 26,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकल मिलने पर एफआईआर दर्ज होगी। 10वीं और 12वीं की मर्सी चांस की ये परीक्षा होगी जिसमें आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि विशेष अवसर की इस परीक्षा के लिए 26,000 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें सेकेंडरी में 15,847 और सीनियर सेकेंडरी में 10,213 परीक्षार्थी शामिल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,01,000 रुपए का समर्पण निधि दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष समेत बीएचपी के बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। अभियान के दौरान 5,00,000 से ज्यादा गांव में 12,00,000 से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। उनसे चंदा मांगा जाएगा। चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। प्रतला में कड़ाके की ठंड का कह जा रही है। धूमने सड़कों पर वाहन की रफ्तार कम कर दी है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। गेहूं की फसल के लिए सर्दी वरदान साबित होगी। सब्जियों की फसलों को सर्दी से नुकसान हो सकता है। यमुनानगर में भारी धुंध के चलते वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर होने के चलते सामने से आ रहे वाहन चालकों को कुछ दिखाई नहीं दिया। सैर के लिए आने वाले लोगों को भी धुंध और कोहरे से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग पूरे एहतियात बरतकर पार्क में पहुंच रहे थे। धुंध और कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद होगा। गेहूं और गन्ने की फसल के लिए कोहरा बहुत लाभदायक साबित होगा। रेवाड़ी में कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए सड़कों पर चलना पड़ा है। वाहन चालकों की माने तो घने कोहरे के चलते उन्हें 1 घंटे में तय किए जाने वाला सफर 3 घंटे में तय करना पड़ा। घने कोहरे के चलते चौराहे पर पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलें। झज्जर में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले भर में 8,000 डोज वैक्सीन पहुंचेगी और सब ठीक रहा तो शनिवार से वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि पहले फेज में बहादुरगढ़ अस्पताल और सीएचसी में वैक्सीनेशन का काम होगा। वैक्सीनेशन के दौरान आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐप से ही वैक्सीन की पूरी जानकारी मिल पाएगी। घरौंडा के मलिकपुर गांव में शराब के नशे में प्रवासी मजदूर ने 40 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक गांव के एक किसान के खेतों में काम करता था। परिजनों के मुताबिक शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े की खबर लगते ही वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने खाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया है लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। गोहाना में 2 महीने पहले मामूली कहासुनी के चलते महिला की तेजधार हथियार से हत्या करने का मामला भी सामने आया है। मृतक महिला गोहाना के बुटाना गांव की रहने वाली थी। गुरुग्राम में लग्जरी गाड़ी को चुराने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को पुलिस ने नागालैंड से गिरफ्तार किया है। पहले भी पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियां चुराकर नागालैंड में बेचते थे आरोपी। गाड़ी बेचने से पहले गाड़ियों की नंबर प्लेट इंजन नंबर और चेचेस नंबर चेंज कर देते थे। नागालैंड से फर्जी कागज बनाकर बेचते थे गाड़ियां। अभी तक आरोपी चोरी की सैकड़ों गाड़ियों की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फॉर्च्यूनर इनोवा नया मॉडल और ऑटोमेटिक गाड़ियां चोरी करते थे।
यमुनानगर में एक करेटा गाड़ी पर सवार व्यक्ति ने शहर के बीचों बीच कई वाहनों को चक्कर मारकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद भारी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि उनकी बाइक और गाड़ियों को टक्कर मारी गई है। कुछ लोग घटनास्थल पर यह बता रहे थे कि टक्कर मारने वाला व्यक्ति नशे में था, जबकि कुछ का कहना था कि उसे दौरा पड़ा। करनाल के हल्का नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोदा ने कहा कि गरीब जरूरी पर बिकाऊ नहीं है, इसलिए वो किसी के संपर्क में नहीं है। हमारा समर्थन बीजेपी पार्टी को ही रहेगा। पूरी सुरक्षा के साथ जिन पहुंचे कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर काफी उत्साह, जिनमें 10,540 वैक्सीन की डोज पहुंची। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल को फुल ऑटोमेटिक एनालाइजर टेस्टिंग मशीन सौगात मिली है, जिससे अब अस्पताल में आने वाले मरीजों को राहत मिल सके। नागरिक अस्पताल में अब कोरोना टेस्ट के साथ ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और लीवर संबंधी सभी टेस्ट की मुफ्त सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश के साथ साथ अंबाला के लिए भी रात की खबर है। कोरोना वैक्सीन की एक खेप अंबाला पहुंच चुकी है, अब केवल टीकाकरण का इंतजार। अंबाला में पहले चरण में करीब 9,500 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन का टीकाकरण। रेवाड़ी जिले की कोविशील्ड की 5,700 डोज अलॉट की गई है। सभी 5,700 डोज वेयर हाउस में रखवा दी गई। पहले चरण में रेवाड़ी में 5,300 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान भी जरूरी है। हिसार में पुलिस की मुस्तैदी से एक युवती के साथ हैवानियत की कोशिश नाकाम हुई है। पुलिस ने दुष्कर्म की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक एक युवती को उसके रिश्तेदार ने ऑटो में किडनैप कर लिया है और दुष्कर्म करने के इरादे से ऑटो को सुनसान जगह ले जाने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने आरोपियों को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने DSP भारती दास लीड कर रही थी। उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए ऑटो का पीछा किया तो युवती ने बताया कि उसका अपहरण किया गया है। जिनमें कॉलेज के छात्रों पर अश्लील पंक्तियां रचने वाले मंचलों को पुलिस ने सबक सिखाया है। महिला पुलिस ने मंचले की परेड भी निकलवाई। इसके साथ ही महिला पुलिस ने पीड़ित लड़की से माफी भी मंगवाई, साथ ही मंचले के परिजनों को मौके पर बुलाकर मंचले की हरकतों से भी अवगत कराया। कुरुक्षेत्र में आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान हैं, जहां आवारा पशु लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र को आवारा पशुओं से फ्री बनाने का आधिकारिक दावा खोखला नजर आ रहा है। शहर में चारों तरफ आवारा पशु घूमते नजर आएंगे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर में आए दिन आवारा पशुओं के चलते सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन अधिकारी इस पर गंभीर नहीं है। फरीदाबाद में घर के अंदर जमीन में गड़े धन को निकालने का झांसा देकर 24 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी तांत्रिक बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच 48 ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। और इसका दावा है कि इन आरोपियों ने दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम दिया है। पीड़ित नीतू मीणा की माने तो उनके घर में अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती थी। पीड़िता परेशान होकर सहारनपुर के रहने वाले इन दोनों तांत्रिक के संपर्क में आ गई। आरोप है कि ये तांत्रिक नीतू के घर पहुंचे और फिर उनसे कहा कि उसके घर में खजाना छुपा है, जिससे वो निकाल सकते। दिल्ली सरकार ने चिकन के व्यापार और आयात पर लगा प्रतिबंध हटाया है। सीएम केजरीवाल ने पोल्ट्री मार्केट खोलने के निर्देश दिए। 17 जनवरी को सिरसा में आयोजित होने वाले लेबोरेटरी अटेंडेंट और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बैठक ली। बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी सुपरवाइजर को अपने अपने परीक्षा केंद्रों का एक दिन पहले निरीक्षण करके सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सेटिंग प्लान सही हो और केंद्रों में सुविधाओं की कोई कमी न हो। केतल के निर्वाणा बिल्डिंग अशोक सिनेमा के पास सीएम फ्लाइंग द्वारा 2 दुकानों पर रेड मारी गई है, जिसमें भारी मात्रा में पॉलिथीन का स्टॉक और डिस्पोजल का स्टॉक मिला। सीएम फ्लाइंग द्वारा दोनों दुकानदारों पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना किया गया है और माल को भी जब्त कर लिया गया। भिवानी में बीती रात चोरों ने 2 अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें भिवानी के संत कबीर मंदिर के दानपात्र से 35 से 40 हजार रुपए की चोरी होने की आशंका जाहिर की जा रही है।
गूगल इंडिया ने लोन ऐप्स पर बड़ी कार्रवाई की है। पिछले कुछ समय से लोन ऐप्स के फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे थे, जिसे देखते हुए गूगल ने लोन ऐप्स को अपने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है, जो कि लोकल कानून और नियमों को पालन नहीं करते। ये बातें तब सामने आई है जब लगभग 10 लोग ऐप्स को यूजर्स ने फ्लैग करना शुरू कर दिया है। तीन लोन ऐप्स को कंपनी ने प्ले स्टोर से हटा भी दिया है। इन ऐप्स को लाखों बार प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा चुका है। सिरसा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक व्यक्ति पर बस चढ़ गई है, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। मेवास जिले में अब किसान परंपरागत खेती की जगह मिश्रित खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसमें किसान अनाज के साथ साथ सब्जियां भी उगा रहे हैं, जिससे किसानों का आमदनी भी उनकी बढ़ रही है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि किसानों को फलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों को अमरूद, मौसमी, किन्नू, सफेदा समेत कई फलों के पौधे भी मुफ्त दिए जा रहे हैं। मेवात में वर्टिकल पद्धति से खेती करने को लेकर जिला बागवानी अधिकारी नूह ने कहा है कि उन्नत तरीके से सब्जियों के उत्पादन लेने के लिए किसान वर्टिकल पद्धति से खेती करेगा, जिससे लागत कम और उत्पादन ज्यादा होगा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो रही। अम्बाला में ठंड और कोहरे से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां से ठंड की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर है, तो वहीं कोहरे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रोहतक में नेशनल हाईवे 9 पर भी कोहरे और धुंध बीच में एक ट्रक खराब हो गया है, जिसके बाद एक की ट्रक में टक्कर हो गई है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हरियाणा में एक दिन में मिले 225 नए केस, दो लोगों की हुई मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 265,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 15,000 से ज्यादा नए केस, 189 लोगों की हुई मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,05,00,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले कोरोना के 3,579 नए केस, 70 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 52,000 से ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में गई 4 लोगों की जान, 340 नए केस मिले, कुल मरीजों की संख्या 6,31,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5,95,000 के पार, अब तक 5,76,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। पूरी दुनिया में कोरोना जमकर मचा रहा है तबाही, लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9,35,00,000, कोरोना के चलते 20,02,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका, कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ है 2,38,00,000 के पार, एक्टिव केस 93,38,000। ब्राजील में कोरोना से अब तक 2,00,000 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या हुई 83,26,000 के पार। रूस में कोरोना के चलते 63,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान, रूस में अब तक 28,82,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ है 32,07,000 के पास, 86,015 लोगों की मौत।